हमें किसी ने कहा कि ट्रक आर्टिस्ट लड़कियां नहीं बन सकती, वो तो मर्दों का काम होता है और बहुत मुश्किल होता है। जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो हमें जाहिर बात है टीम की ज़रूरत थी, हमें बंदे चाहिए थे काम करने के लिए, लेकिन हमने जब लोगों से पूछा कि आप लोग काम करना चाहेंगे, वो काफ़ी खुश हुए कि ये तो हम पेंटिंग करेंगे और समथिंग एल्स। तो हमने काफ़ी सारी लिस्ट हमारी तैयार हुई थी, तकरीबन 25 से 30 लड़कियों की लिस्ट थी, और जैसे ही हम काम पे लगे तो जैसे लोगों ने देखा कि ये तो बस को ठीक कर रहे हैं और काफ़ी खटारा बस है, तो आखिर में 4 लड़कियां थी जो आई थी 29 में से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सानिया अमीन है और मैं सेकेंड ईयर FSC की स्टूडेंट हूँ, डिग्री 1 कॉलेज डेरा इस्माइल खान। वेल बेसिकली मुझे आर्ट से बहुत लगाव है और आई एम अ पोर्ट्रेट स्केच आर्टिस्ट। तो जब मैं इस कॉलेज में आई थी तो वैसे तो नॉर्मली मैं जितनी भी चीज़ें देखती हूँ और उसमें कोई रंग ना हो तो मेरा दिल करता है कि इसमें कोई ना कोई ये चीज़ कलरफुल होनी चाहिए थी या इसमें रंग भरना चाहिए था मुझे, लेकिन ज़ाहिर बात है हमारे यहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती, तो उसकी वजह से मैं फ़र्स्ट ईयर में आई थी यहाँ पर तो मैंने इस बस को देखा था और मेरा काफ़ी दिल करता था कि मैं इस बस को पेंट करूं और इसको ठीक करूं, क्योंकि पहले ये बहुत ख़राब हालत में थी और लोग ना सिर्फ इसमें बैठना बल्कि इसके करीब जाना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी बस है, 1999 की बस है। तो जिसकी वजह से मैंने एक दिन मैं माफिया के पास गई और उनको मैंने उनका स्केच गिफ्ट किया, तो उनको मेरा काम बहुत अच्छा लगा और अप्रिशिएट किया उन्होंने मज़ीद कहा कि आपको इस हवाले से जो भी हेल्प चाहिए हुई तो हम आपकी करेंगे, और उसके बाद फिर बस का प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था और फर्दर उस पर काम किया था अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम ने। तकरीबन 1 महीना लगा इसको कंप्लीट करने में और मैम आफिया ने बहुत सपोर्ट किया माशाल्लाह, शी इज़ द कंट्री ऑफ द मोस्ट डाइवर्स थॉट्स, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई इतना हमें हेल्प आउट करेगा इस चीज़ में, और जितना भी हमें फ़ंड्स की ज़रूरत पड़ी ज़ाहिर बात है तो फिर हमें उन्होंने सपोर्ट किया। जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो हमें ज़ाहिर बात है टीम की ज़रूरत थी, हमें बंदे चाहिए थे काम करने के लिए, लेकिन हमने जब लोगों से पूछा कि आप लोग काम करना चाहेंगे, वो काफ़ी खुश हुए कि ये तो हम पेंटिंग करेंगे और समथिंग एल्स। तो हमने काफ़ी सारी लिस्ट हमारी तैयार हुई थी, तकरीबन 25 से 30 लड़कियों की लिस्ट थी, और जैसे ही हम काम पे लगे तो जैसे लोगों ने देखा कि ये तो बस को ठीक कर रहे हैं और काफ़ी खटारा बस है, तो आखिर में 4 लड़कियां थी जो आई थी 29 में से। तो माशा से हमने काम किया और जितना हो सका हमने बस को ठीक किया, और जैसे जैसे बस ठीक होने लगी तो लोग हैरान हो गए कि इन्होंने किस तरह इसको इतना खूबसूरत बना दिया, और एंड में फिर ऐसा था कि काफ़ी और भी फर्स्ट ईयर की लड़कियाँ थी माशाल्लाह से, वो भी काफ़ी अच्छी थी, वो आई हमारे साथ काम करने के लिए। मज़ीद अगर मुझे अपने ही शहर में ये अपॉर्चुनिटी मिलती तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी, क्योंकि मैं क्लास 7 से इस चीज़ के बारे में सोच रही हूँ कि डेरा में ना ही कोई आर्ट स्कूल है ना कॉलेज है, ना इस हवाले से कोई सोचता है इस बारे में, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं डेरा में जिन जो बेरंग हो चुकी हैं उनको हम रंग भर सकते हैं उनमें, और वो लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरती पैदा कर सकती हैं, हमारे माहौल के लिए भी, हमारे डेरा इस्माइल खान के लिए भी, और ये बस भी जो है कॉलेज की खूबसूरती में एक अहम किरदार अदा कर रही है। लोगों की सोच मोस्टली यही होती है कि जो बहुत से काम होते हैं वो मर्दों के लाइक होते हैं और वो मर्दों को ही करने चाहिए। बेसिकली ये बस जिस दिन मैं मैम के पास गई थी, मैं बड़े जुनून के साथ गई थी और मैंने मैम को कहा कि भाई आज तो आप हमें कंफर्म करके दें कि हम बस को कल से स्टार्ट करें, तो वो तो ऑब्वियसली रेडी थी माशाल्लाह, हालांकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मैं डर रही थी, मैंने कहा कि शायद वो इस चीज़ में हमारा साथ ना दे, लेकिन माशाल्लाह से मैं बड़ी हैरान हुई कि जैसे ही मैं गई तो उन्होंने कहा कि आप लोग कल से स्टार्ट कर लीजिए। तो वजह ये थी कि उसी दिन हमने एक चैप्टर पढ़ा था ट्रक आर्ट वाला इंग्लिश की बुक में हमारे, तो उस टाइम हमें किसी ने कहा कि ट्रक आर्टिस्ट लड़कियां नहीं बन सकती, वो तो मर्दों का काम होता है और बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसी सोच की वजह से मैंने फिर कहा कि क्यों नहीं कर सकती, ये मैं करके दिखाऊंगी, और मैं मैम के पास गई, उन्होंने इजाज़त दी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बस को कम्प्लीट कर दिया। फिर वो कहते हैं ना हिम्मत है मर्दा मदद है खुदा, तो आप हिम्मत करो अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा। हम स्टार्ट में काफ़ी डर रहे थे इसको करते हुए कि पता नहीं कितना बजट आएगा, और जाहिर बात है महंगाई भी बहुत है,
लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और हम काम करते रहे, और इस पे टोटल जो हमारा खर्चा है वो 25,000 रुपीज़ आया ऑलमोस्ट, तो जो कि बहुत कम है। ये तो आम रूटीन में बंदा ज़ाया भी कर लेता है, लेकिन हमने इस तरह की चीज़ बना ली तो मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। काम इसमें रहता है थोड़ा बहुत, और इसको मज़ीद हम लोग बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मैम ने भी कहा है कि वो शायद इसको चलने के भी काबिल बना सके, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सारी सेट हो चुकी हैं, उसके अंदर की अगर कुछ मसाइल हैं तो वो भी ठीक करवा लेंगे वो। और इसके साथ साथ इसमें जो पिकनिक्स वगैरह के प्रोग्राम्स हैं वो भी कर सकते हैं। रिसेंटली हमारा बुक फेयर हुआ था तो उसमें काफ़ी अच्छी वीडियोस भी इसकी बनी थी, और काफ़ी हेल्पफुल रहा था हमारे लिए।